यूपी के सीतापुर में एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा मासूम बच्चे के इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की मौत हो गई। इससे परिवार वालों में आक्रोश फैल गया। सूचना पाते ही गांव के तमाम लोग झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर एकत्र हो गए और हंगामा करने लगे। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने झोला छाप डॉक्टर को उसके क्लिनिक को बंद कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत किया और झोला छाप डॉक्टर को हिरासत में लिया। पुलिस डॉक्टर को लेकर थाने पर पहुंची। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी का कहना है कि झोला छाप डॉक्टर को पहले भी कई बार क्लिनिक बंद किए जाने का नोटिस दिया जा चुका, लेकिन इसके बाद भी उसने क्लिनिक नहीं बंद किया। अब सवाल इस बात का उठता है कि स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी झोला छाप डॉक्टर के द्वारा क्लिनिक न बंद किए जाने का क्या कारण था। बंद किया जाना अपने आप में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर सवालिया निशान लगा रहा है। यहाँ पर प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर झोला छाप डॉक्टरों के हाथों में फंसकर ग्रामीण कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी तराश बने देखते रहेंगे। भैया साहब तो हमकी मम्मी तेल लगाई तो हम कहने जा भैया दवाई ले आओ जाए तो यहाँ आवा पैदा दवा ले एक तीन सुई लगाई दी फिर कब बिल्कुल वापस नहीं आवा तब पाली का पटवाई दिन लाट पा लीजिए यहाँ लट्टी वट्टी सब लोग ये दे रहा है सब यहाँ पर डॉक्टर बंगाली बंगाली है। अच्छा बता भैया हम तो क्या इन्होंने बताया आप यहाँ मौजूद थे जब ये मौजूद नारा बोल का है कि अच्छी मम्मी बता रही है क्या बता रही हैं कहते हैं तीन सुई लगाई हाँ बेहोशी का तो प्रसाद जी लाद लेके आ गया। अच्छा तो वहाँ पर मृतक घोषित कर दिया। अच्छा बस अत्ता ही बात हम जाने ठीक। इसके बाद डॉक्टर क्या हुए डॉक्टर अंदर हैं क्या डॉक्टर अंदर हैं बाहर नहीं निकल रहे बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा और दवा क्या थी हर गांव इलाके के मुरादनगर निवासी नंदलाल के बेटे प्रिंस की अचानक तबीयत खराब हो गई। परिवार वालों ने प्रिंस को कस्बे में ही बंगाली डॉक्टर सपन चौधरी की क्लिनिक पर इलाज के लिए भर्ती कराया जहां झोला छाप डॉक्टर ने मासूम प्रिंस को लगातार तीन इंजेक्शन लगाए जिससे कि प्रिंस बेहोश हो गया। प्रिंस को बेहोश होता देखकर झोला छाप डॉक्टर ने उसे स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेज दिया जहाँ पर डॉक्टरों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया। प्रिंस की मौत के बाद परिवार वाले आक्रोशित हो उठे और झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक पर हंगामा करने लगे और डॉक्टर को बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया।